गोल्डन लाइंस फॉर यू के तमाम नाज़रीन को मेरा सलाम। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने जा रही है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बड़ी महफिल में लोगों से बात करने की 5 टिप्स देने जा रहा हूं। अगर आप ये टिप्स जानना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, आपने देखा होगा कि जहीन से जहीन लोग भी भरे मजमे में बात करते वक्त हिचकिचाहट का शिकार हो जाते हैं। पर एक सर्वे के मुताबिक 80% लोगों को भरे मजमे में बात करते वक्त परेशानी और घबराहट का सामना करना पड़ता है। इसलिए इस वीडियो में आपको 5 ऐसी टिप्स दी जाएंगी जिनको फॉलो करने से आपको कभी भी पब्लिक में बात करते वक्त परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए जानते हैं टिप्स के बारे में। नंबर 1, याद रखें कि गुफ्तगू का आगाज हमेशा किसी सवाल से करें। और एक तहकीक में यह भी बताया गया है कि गुफ्तगू का आगाज हमेशा किसी सवाल से करना चाहिए। अब वो सवाल कोई भी हो सकता है। इसके अलावा गुफ्तगू के दौरान आपको हमेशा सादा अल्फाज इस्तेमाल करने चाहिए। नंबर 2, अक्सर लोग किसी बड़ी महफिल में बात करने में हिचकिचाहट महसूस करते हैं। अगर आपको भी हिचकिचाहट महसूस होती है तो इस हिचकिचाहट को अपनी कमजोरी बनाने के बजाय इसे अपनी ताकत बनाएं। जी हाँ, इसे अपनी ताकत बनाएं, क्योंकि हिचकिचाहट ही वो ताकत है जो आपको बोलने के लिए तवानाई फराहम करती है। नंबर 3, गुफ्तगू के दौरान आपको अपने आप पर एतमाद होना चाहिए। अपनी कही हुई बातों पर हमेशा यकीन रखिए कि आप जो बोल रहे हैं वो सही है। कभी किसी दूसरे बंदे की बातों को अपनी गुफ्तगू में शामिल मत करें। हमेशा अपने माइंड से अल्फाज का चुनाव करें। नंबर 4, पब्लिक में हाजिर दिमाग के साथ बात करने के लिए आपको मस्बत सोच अपनाना होगी। बात करते वक्त अपने ख्यालात को और अपने अल्फाज को हमेशा पॉजिटिव लें, नेगेटिव मत लें। अगर एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल सीखनी है तो अपनी गुफ्तगू को हमेशा एक चैलेंज समझकर इसका सामना करें। नंबर 5, दोस्तों, जितना आपके लिए पब्लिक में अच्छा बोलना जरूरी है, उससे कई गुना ज्यादा अच्छा सुनना भी जरूरी है। जी हाँ, आप जितने अच्छे तरीके से किसी की बात सुनने वाले बनेंगे तो उतने ही अच्छे आप बोलने वाले भी बनेंगे। क्योंकि अगर आप किसी बात को जितने अच्छे तरीके से सुनेंगे तो तब उतने ही अच्छे तरीके से उस बात का जवाब भी दे सकेंगे। तो नाज़रीन, अगर आप भी चाहते हैं कि किसी बड़ी महफिल में आप लोगों से अच्छे तरीके से बात कर सकें तो इसके लिए आपको हमारी वीडियो को फॉलो करना जरूरी है। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक और साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।